मीटिंग हुई है और हम एक हैं और एक से हम वह क्या अनेक। है मेगा कंपनी है, चाहे एफको कंपनी है, चाहे आपकी क्या बोलते हैं जेपी है, चाहे क्यूरू है, चाहे पटेल है, चाहे क्वाड है, जेपी है, एलएनटी है, सारे वर्कर हमारे साथ खड़ा है। बात इतनी है सर जी कि जो बात आज यहां पर सुनने को मिल रही है कि कंपनी फाइनल कर रही है, फाइनल आज भी करना है, कल भी कंपनी ने फाइनल करना है, बशर्ते मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और एक्स मिनिस्टर हमारे सुनील शर्मा जी उसको और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लोकल को बड़े कहना में मुद्दत से कहना रोजगार मिला यहाँ पर और गवर्नमेंट ने और हमारे प्रधानमंत्री ने श्रीमान कहना में मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो यहाँ का प्रोजेक्ट यहाँ खोले, लोगों को रोजगार दिया और इससे हर एक बंदा खुश था। किसी के घर का कोई बंदा गरीब था यहाँ पर रोजगार कर रहा है, कोई बेचारा उत्तराखंड में था, कोई कहना हिमाचल में था, यहाँ काम कर रहा था, पिछले 4 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। बात इतनी है कि हमारी मैनेजमेंट कहती है कि प्रोग्रेस नहीं होती है। मैं कहता हूँ अपने मैनेजमेंट को बताना चाहूंगा कि भाईजान प्रोग्रेस होती है जब मशीनरी का काम होता है। अभी सारा मैनुअली काम है, सरिया लगाना तो हाथ से लगाना, रिब लगानी हाथ से लगाना, इन्होंने ये सोचना चाहिए कि इस टाइम वर्कर का काम खुद करना पड़ता ना कि मशीनरी से। दूसरी बात ये बोलते हमारे सर प्लस बंदे हैं, मैं मानता हूं अगर इनके बंदे ज्यादा हैं तो इन 2 महीने में 400 लोग लगाए तो वो कैसे लगाए। मैं इसके कहना सीपीपी के जो सीजम है मुखिया साहब को बताना चाहूंगा, जब आपने हमारे साथ मीटिंग करी थी तब आपने कहा था हमारे को वर्कर कम है, जब आपने 400 लोग लगाए थे तब क्यों नहीं सोचा था कि हमारे वर्कर ज्यादा है। अगर ज्यादा वर्कर हुए, हमारे भाई है वो, हमारे दोस्त है, हमारे परिवार है, सबसे पहले उन वर्कर को जो नए वर्कर आए हैं उनका फाइनल करे, जो इनको देना चाहता हूं उनको दो और वो बेचारे शाना बिशाना घर जाएंगे, उसके बाद भी अगर कम होते हैं या ज्यादा होते हैं यूनियन बैठ के फैसला करेगी। दूसरी बात कि ये छेड़ने की कोशिश मत करे यूनियन के बिना, अभी 70% काम इनका बकाया है। आपके प्रेशर शाफ्ट 4 है, 3 है सर शाफ्ट या 2 है, उसमें से एक एक होल इन्होंने निकाला है, इन्होंने बोला हमारा काम खत्म हो गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे औरतें, हमारे के माताएं, बहनें, बच्चे इस वर्कर के लिए उतरेंगे। जो स्टेशन को भी बताना चाहूंगा मैं कि इस पे गौर करें, जो 22 तारीख की मीटिंग है वो वर्कर के हक में फैसला होना चाहिए। जिस वर्करों ने यहाँ पर अपनी जाने दी है, जिस वर्कर ने अपना यहाँ पर बीमारी ली है घर पे, उस वर्कर को आज भेड़ समझ के उसको घर भेजेंगे, ये कतई यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। और खास करके हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनियन भारतीय मजदूर संघ है, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, राकेश जी से मेरी बात हुई है, शान से मेरी बात हुई है, जितनी हमारी स्टेट बॉडी है, जितने प्रेसिडेंट के अहदेदार हैं उनसे सबसे मेरी बात हुई है। अगर इन्होंने आपके साथ छेड़खानी की कोशिश करी, तमाम प्रोजेक्ट बंद होंगे, जब तक नहीं इनका फैसला होगा तब तक हम बख्शने वाले नहीं है। और ये भी मैं वर्कर को बताना चाहूंगा, मेरा वर्कर साथी कोई भागेगा नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा, कोई क्या बोलते शराब पी के नहीं आएगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई काम चोरी नहीं करेगा, जितना उसको काम है वो अपना काम करे। पहले कहते थे हमारा वर्कर भागता है, इन्होंने अपने पेंचिंग सिस्टम स्टार्ट करी, सुबह 8 बजे वर्कर आता है, शाम को 8 बजे वर्कर जाता है, फिर भी कहते ये प्रोग्रेस नहीं है। भाई प्रोग्रेस तुमने दिलानी है, प्लानिंग तुमने करनी, हैंड ओवर टेक ओवर आपने करना है, वर्कर को क्या पता है। जब भी पेमेंट की बात आती है, जबकि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था एलसी और एसीआर साहब के साथ, मैं एसीआर साहब और एलसी साहब किश्तवाड़ को बताना चाहूंगा और डीसी साहब को, जब 10 तारीख की पेमेंट की बारी आई और इन्होंने फाइनल का एक रूमर फैलाया,
अगर फाइनल आपने करना है, फास्ट और लास्ट का है, और साथ में हमने जो डिमांड रखी है उस डिमांड पे अगर कंपनी उतरती है हमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी मैं सारे वर्करों को हाथ खड़ा करना चाहता हूँ, क्या सारे वर्कर 6 महीने के लिए साल को बैठने के लिए तैयार है? सारे बैठने के लिए तैयार हो? और साथ में ये ना सोचें कि ये इनका मैस चलेगा, डिवाइडरिंग चलेगा, जब अगर ये कंपनी नहीं मानती, हमारी बात को नहीं मानते हैं। खास करके मैं चौहान साहब को, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उनको, हमारे कहना पीएम साहब है, पीएम साहब आपको मैंने 10 बार कहा कि भाई आप प्लानिंग मीटिंग करो, यूनियन को बिठाओ बीच में, अगर हमारा वर्कर भागता है तो हम उसको सुधारेंगे, अगर आपका अगर ऑफिसर काम कराने नहीं आता उसकी जिम्मा हम नहीं है, उसकी जिम्मा मैनेजमेंट है, बिठाए प्रोग्रेस मीटिंग करे, अगर जहां पर भी हमारे वर्कर की कोई कमी पेशी आती है हम वर्कर को सुधारेंगे। अगर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।